फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंदौर शॉपिंग पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्राउन 32 इंच में फ्रेमलेस वॉइस रिमोट एलईडी टीवी। जी हां दोस्तों, 1080p फुल एचडी टीवी, 4K HDR एंड्रॉइड के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कम कीमत में। कितनी होगी इसकी कीमत जल्दी ही बताएंगे आपको। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट किस कीमत में ख़रीदना है, उसका सही दाम क्या है, ताकि आप यहाँ से नहीं कहीं और से भी ख़रीदें तो आपको उस प्रोडक्ट की एक सही कीमत पता हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो का लंबा ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको बताते जाता हूँ कि क्राउन की ये टी वी में आपको 2 USB फंक्शंस, उसके बाद में अपना AV फंक्शंस मिल रहे हैं, साथ में यहाँ नीचे की तरफ हम HDMI फंक्शंस भी मिल रहे हैं। दोस्तों आगे से बात करूँ तो दिख रहा है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही फ्रेमलेस टीवी है, बिल्कुल भी फ्रेम नहीं है इसके अंदर। और नीचे जो है वो एक पतली सी पट्टी में क्राउन की ब्रांडिंग के लिए दी हुई है। साथ में इसके आते हैं 2 टेबल स्टैंड और एक वारंटी कार्ड है इसमें। और रिमोट की बात करूं तो कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया सा यूनिक सा रिमोट दे रही है, जिसमें आपको लगभग सभी फंक्शंस रिमोट पर ही मिल जाते हैं, आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये है रिमोट, जल्दी से इसको ऑन करके देख लेते हैं कि कैसा है इसका UI। ऑन हो गई है दोस्तों, और ये वही सॉफ्टवेयर वर्जन है जो शायद रियलमी के अंदर आता है, साफ साफ दिख रहा है, पर मेरे को कंफर्म नहीं है इसलिए शायद बोल रहा हूं मैं। और ये स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट होते से जो क्वालिटी हमारे सामने आई है बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है। अब वीडियो तो आपको मैं चलाकर दिखा नहीं सकता, ऑडियो आपको सुना नहीं सकता, कॉपीराइट इश्यू हो जाता है, कई वीडियोस हमें हमारी हटानी पड़ी है इसी वजह से कि कॉपीराइट प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करें, मैं आपको एक कोई बढ़िया सा वीडियो चला करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इन्हें बोलिए पहले नेटवर्क इंटरनेट चलाओ भैया, उसके बाद में कुछ करना। तो तब तक वैसे ओवरव्यू ले लेते हैं। ये है मीराकास्ट, मीराकास्ट में टीवी को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक ऊपर आपको शो हो रही है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। बैक करते हैं प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। जो मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर ऐप स्टोर आएगा, कौन सा स्टोर आएगा, ये स्टोर आएगा, वो स्टोर आएगा, बता दूंगी इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर है। आप जो एप्लीकेशन चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आप जो चाहें वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जो भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वो सभी एप्लीकेशन आप इसके अंदर चला सकते हैं। फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको यूट्यूब सजेशंस दिख ही रहे हैं यहाँ पर, जो यूट्यूब की तरफ से आ रहे हैं आपको। फेसबुक वॉच, इस पर आप फेसबुक वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसको भी बैक कर देता हूं मैं, नहीं फेसबुक के शॉर्ट्स वगैरह आप देखना चाहें गेमिंग वगैरह में क्या चल रहा है तो आप वो इस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। फिलहाल इस एप्लीकेशन को यहाँ से एग्जिट करते हैं, एप्लीकेशन चालू होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़े अगर हम तो इसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब को सब जानते हैं,
फिर ये एप्टॉइड टीवी है, इससे आप एप्लीकेशंस और भी दूसरी तरह के एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जनरल है, रिमोट सेंसर, रिमोट से अगर आप अपनी टीवी को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए है ये। या मतलब आपका अगर मोबाइल अपना खो जाए कहीं तो आप अपने इससे डाउनलोड करके एक रख सकते हैं जिससे आप अपनी टीवी चला सकें अगर रिमोट खो जाए तो। फिर हम बात करें तो यहाँ पर फाइल मैनेजर है, ये रहा फाइल मैनेजर। इसके अंदर आपको अपनी पेन ड्राइव से यूज़ करने के लिए फाइलें मिल जाएगी। और फिर ये असिस्टेंस है, असिस्टेंस में जाने के बाद में आप अपने स्टोरेज वगैरह सब क्लीन कर सकते हैं, मेन्यू वगैरह क्लीन कर सकते हैं। कि बाकी फिर प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज़्नी हॉटस्टार, अलग अलग तरह की एप्लीकेशन है, जो भी दुनिया जहान की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे वो दिखती चली जाएगी। तो बात करते हैं हम, अरे हाँ बात तो करना है वॉइस फंक्शन की, क्योंकि वॉइस टीवी तो क्राउन का 32 में अभी पहली बार आया। तो देखें वॉइस फंक्शंस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इस बटन को प्रेस करना है, इंटरनेट से टीवी कनेक्ट होना चाहिए और बस हो गया काम। ओपन यूट्यूब, YouTube for Android TV. जैसे ही मैंने बोला ओपन यूट्यूब, यूट्यूब ओपन हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं कुछ भी आपको सर्च करना है आपको बोल करके सर्च कर सकते हैं इसमें। तो आपको कलर दिखाने के लिए मैं 8K वाइल्ड वीडियो चला रहा हूँ यहाँ पर। क्वालिटी ऑलरेडी 1080 पर ही है और आप देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। तो बहुत ही सुपर क्वालिटी का है। और अब साउंड की बात करें तो अभी सिर्फ साउंड जो है वो 25 पर था, और अभी कोई गाना तो है नहीं, म्यूजिक तो है नहीं कि आपको एकदम समझना है। और इस आवाज़ से सुनकर तो आप साउंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा साउंड है इस टीवी के अंदर। बैक करते हैं, यूट्यूब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि और ऐसा स्पेशल फंक्शन क्या है इसके अंदर। बाकी तो सारे जनरल फंक्शन ही है, जैसे होम पर होम आपको ये जो होम एप्लीकेशन दिख रही है, फिर वीडियो के अंदर आपको सारी वीडियोस वीडियोस दिखा देगा जो अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पर, अदर प्लेटफॉर्म पर जो फ्री अवेलेबल है वो सारे कंटेंट दिखा देगा। प्रीमियम कंटेंट के अंदर वो प्रीमियम मूवीज जिनको आप चार्ज दे करके देख सकते हैं वो भी दिखा देगा। इसके अलावा अगर आप म्यूजिक में जाते हैं ऊपर तो म्यूजिक के अंदर भी वो आपको फ्री और प्रीमियम म्यूजिक सभी ऑप्शंस दिखाने लगेगा जो आपकी सर्च के ऊपर बेस होंगे। जैसे आप सुनना चाहते हैं वैसे वो आपको धीरे धीरे इस तरह के चेंजेस करके दिखाने लगेगा। अब एप्स की बात करें तो जितनी भी एप्स आपकी टीवी के अंदर अवेलेबल होगी वो सारी एप्स आपको यहाँ दिख जाएगी। और सोर्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट के साथ में और 2 AV पोर्ट के साथ में ये टीवी आ रही है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप कैमरे वगैरह के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो HDMI के 2 पोर्ट हैं आपके साथ में, बहुत बढ़िया टीवी है, देर मत कीजिए जल्दी खरीद लीजिए। और आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ से मीडिया प्लेयर चला सकते हैं, सीधा आप मीडिया सेंटर में आ गए हैं। उसके बाद में सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आपको दिखा दूँ मैं, नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपको इंटरनेट से जुड़े ऑप्शन मिल जाएंगे। टाइम के अंदर आप टीवी का टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, डेट वगैरह सेट कर सकते हैं। कॉमन सेटिंग में आपको लैंग्वेज वगैरह मिल जाएगी, लैंग्वेज, कीबोर्ड, एप्स, एंड्रॉयड टीवी का नाम क्या है, एप्स में आप कौन कौन सी एप्स रखना चाहते हैं, किस तरह की एप्स रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम रिकवरी आपकी टीवी को फॉर्मेट करने के लिए। अकाउंट्स में आप अपनी टीवी के लिए खुद एक अपना अकाउंट बना करके डाल सकते हैं यहाँ पर। और सिस्टम इन्फो यानी टीवी की इन्फो तो यहाँ पर देखिए, 8 GB इंटरनल मेमोरी है, 1 GB की रैम है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है, प्रोडक्शन मॉडल MT9255T है, फर्मवेयर लिखे हुए हैं, प्रोसेसर कोर्स बहुत जरूरी है, जहाँ कोर्स बहुत जरूरी है तो ये 2 कोर नहीं है, ये 4 कोर टीवी है। प्रोसेसर ऑफ कोर्स ज़्यादा होने का बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपकी टीवी कितनी स्पीड से चलने वाली है, टीवी की चलने की स्पीड क्या रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोई भी फंक्शंस, कोई भी एप्लीकेशंस कितने फटाफट ओपन होती है, जितना रैम के ऊपर डिपेंड करता है उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर ऑफ कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 4 कोर प्रोसेसर एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इस टीवी के अंदर।
और बात करूँ मैं इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत होने वाली है मात्र 8,800 रुपये। 8,800 रुपये में आप ये टीवी हमसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी हुई है, साथ ही हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, जिस पर कॉन्टेक्ट करके आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसको परचेज़ करने के लिए आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक नहीं मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसे जाकर देख सकते हैं। सबसे ऊपर ही उसको पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप हमारी डिटेल ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, 8,800 रुपये में ये टीवी बहुत ही अच्छी कीमत में आपको मिल रही है। वॉइस रिमोट के साथ, गूगल वॉइस असिस्टेंट, प्ले स्टोर के साथ में ये टीवी आ रही है। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, फटाफट अपना ऑर्डर बुक कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।